नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ऑटोमोटिव्स में। और आज हम देखेंगे इंजन कूलिंग सिस्टम कैसे काम करती है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कूलिंग सिस्टम का काम क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह का है, उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया जाता है और वो काम कैसे करती है। तो शुरुआत करते हैं कूलिंग सिस्टम के फंक्शन से। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो इंटरनल कंबशन इंजन है उसके अंदर सीरीज ऑफ कंबशन स्ट्रोक की वजह से जो वर्किंग टेम्परेचर है उससे इंजन का टेम्परेचर कई ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसी टेम्परेचर को वापस वर्किंग रेंज के अंदर रखने का काम करती है कूलिंग सिस्टम। तो अब बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की। तो अगर किसी दो चीज़ को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जाता है और उन दोनों के बीच में अगर कोई टेम्परेचर डिफरेंस है, तो जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता तब तक हाई टेम्परेचर वाली साइड से लो टेम्परेचर वाली साइड की ओर हीट ट्रांसफ़र जो है वो होगा। तो यही हीट ट्रांसफ़र के प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है कूलिंग सिस्टम, यानी कि इंजन की हीट कूलेंट ले लेती है और कूलेंट की हीट बाहर एटमोसफियर के अंदर डिस्पोज की जाती है। तो अब आते हैं कूलिंग सिस्टम के कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो इंजन के अंदर जो भी कूलेंट गैलरीज है उसके साथ एक हॉस पाइप कनेक्ट की जाएगी और उसका दूसरा सिरा कनेक्ट होगा थर्मोस्टेट वाल के साथ। अब जो थर्मोस्टेट वाल है उसके अंदर से एक मेन लाइन जाएगी रेडिएटर की अपर टैंक के अंदर, और रेडिएटर की जो लोअर टैंक है उसमें से एक लाइन जाएगी कूलेंट पंप या फिर वाटर पंप के अंदर, और वहाँ से एक लाइन वापस इंजन की कूलेंट गैलरीज के साथ कनेक्ट कर दी जाएगी, यानी कि साइकिल कंप्लीट हो सके। अब जो थर्मोस्टेट वाल है उसके अंदर से एक बाईपास लाइन आती है जो कि वापस इंजन के साथ कनेक्ट की जाएगी, जबकि रेडिएटर की जो प्रेशर रिलीफ कैप है या फिर प्रेशर रिलीफ वाल है उसमें से एक बाईपास लाइन या फिर प्रेशर रिलीफ लाइन कह सकते हैं वो जाती है रिजर्वॉयर के अंदर, जबकि रिजर्वॉयर में से एक सप्लाई लाइन रेडिएटर और पंप के बीच में दी जाती है। तो अब आते हैं कूलिंग सिस्टम के वर्किंग के ऊपर। तो इंजन जो है उसे जब क्रैंक किया जाता है तो वो नॉर्मल टेम्परेचर गेन करने तक वार्म अप होता है, यानी कि उसे गर्म होना पड़ता है। तो उस सिचुएशन के अंदर कूलिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो थर्मोस्टेट वाल है वो इंजन के वार्म अप होने तक क्लोज कंडीशन में रहता है, और इंजन में से जो कूलेंट आ रहा है उसी कूलेंट को बाईपास लाइन की मदद से वापस इंजन में भेज देता है। अब जब इंजन थोड़ी देर चलने के बाद प्रॉपर गर्म या फिर वार्म अप हो जाता है तो कूलेंट जो है वो भी गर्म होता है। तो वही कूलेंट थर्मोस्टेट के अंदर जो वैक्स रखा है उसे हीट देगा, जिसके कारण जो वैक्स है वो पिघलेगा और एक्सपांड होगा। एक्सपांड होने के कारण जो थर्मोस्टेट वाल है वो ओपन हो जाता है और गर्म कूलेंट को इंजन में वापस जाने से रोकता है, यानी कि बाईपास लाइन को क्लोज करके जो रेडिएटर वाली मेन लाइन है उसे ओपन कर देता है, और जिसके कारण जो कूलेंट है वो डायरेक्टली रेडिएटर की अपर टैंक के अंदर चला जाता है। अब रेडिएटर जो है उसकी अपर टैंक के साथ कनेक्ट होती है ट्यूब्स और बाद में आती है लोअर टैंक। अब जो कूलेंट है वो ट्यूब्स की बदौलत लोअर टैंक की ओर जाएगा। अब जो ट्यूब्स है उसके साथ कनेक्ट होते हैं हाईली थर्मल कंडक्टिव फिन्स। अब ये फिन्स क्या करते हैं कि जब भी ट्यूब्स के अंदर से हवा पास की जाती है तो एयर के साथ जो ट्यूब्स है उसका कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ा देते हैं, जिसके कारण हीट डिसिपेशन बढ़ जाता है और लोअर टैंक तक पहुँचते पहुँचते जो कूलेंट है वो काफ़ी हद तक ठंडा हो जाता है। अब जो लोअर टैंक है उसमें से कूलेंट जाता है सीधा पंप के अंदर, यानी कि कूलेंट या वाटर पंप के अंदर, और वही कूलेंट वापस इंजन के अंदर पहुँचा दिया जाता है। अब ज़्यादा देर इंजन चलने की बदौलत जो कूलिंग सिस्टम के अंदर कूलेंट घूम रहा है उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ेगा। तो यही प्रेशर जो ट्यूब्स है उसे नुकसान कर सकते हैं। तो वो ना हो उसके लिए जो प्रेशर कैप है उसके अंदर एक स्प्रिंग लोडेड वाल्व दिया जाता है जो हाई प्रेशर होने की वजह से खुल जाता है, और जो एक्स्ट्रा कूलेंट है या फिर प्रेशराइज कूलेंट है उसे भेज देता है रिजर्वॉयर के अंदर। अब रिजर्वॉयर में कूलेंट जाने की वजह से पूरे सिस्टम में जो कूलेंट घूम रहा है उसका प्रमाण कम हो जाता है। ये प्रमाण कम ना हो उसके लिए रिजर्वर में से एक फीड लाइन वापस दी जाती है रेडिएटर और पंप के बीच में। तो इसी के कारण पूरे सिस्टम में जो प्रेशर है वो भी मेंटेन रहता है और कूलेंट का लेवल भी मेंटेन रहता है। तो आई होप कि इसके ऊपर से आपको पता चल गया होगा कि कूलिंग सिस्टम कैसे काम करती है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द ऑटोमोटिव्स चैनल को, ताकि नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिला रहे।